मम्मी मुझे सिलाई सीखनी है, मुझे सिलाई सीखने का बहुत शौक है। आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले नेहा की फ्रॉक फट गई थी, उसे किस तरह से ठीक कर दी थी? दीदी आपने मेरी फटी फ्रॉक क्या ठीक कर दी, आप तो खुद को डिजाइनर ही समझने लगी। मम्मी देखो तो दीदी दर्जी बनना चाहती है, गांव में एक से बढ़कर एक बुटीक है, उन्हें छोड़कर कोई आप जैसी मामूली सी गरीब लड़की के पास अपने कपड़े सिलवाने क्यों आएगा? नेहा ऐसे नहीं कहते, और क्या पता काजल कितनी अच्छी सिलाई सीख जाए, इसी से सब अपने कपड़े सिलवाने आए। काजल यह तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है, तुम सिलाई सीखकर मेरा सहारा बनोगी। तुम कोई अच्छी सिलाई सेंटर्स देखकर सिलाई सीखना शुरू कर दो, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर ही दूंगी, मेरी प्यारी बेटी दर्जी बनेगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर काजल खुश हो जाती है और वह गांव में एक सिलाई सेंटर देखकर वहां पर सिलाई सीखना शुरू कर देती है और वह बहुत मेहनत से सिलाई सीखती है। वह घर आकर भी बस डिजाइन ही बनाती रहती थी और कुछ ही महीनों में काजल को बहुत अच्छी सिलाई करनी आ जाती है। लेकिन काजल ने अभी नई नई सिलाई सीखी थी, इसलिए गाँव की कोई भी लड़की या औरत उससे अपने कपड़े सिलवाने नहीं आती थी और उसे बुटीक पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। काजल बहुत परेशान हो जाती है। तभी नेहा काजल से कहती है, दीदी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप सिलाई मस्त सीखिए, आपसे कोई कपड़े सिलवाने नहीं आएगा, लेकिन आपको तो बस एक ही रट थी कि आपको सिलाई सीखनी है, सिलाई सीखनी है, सिलाई सीखनी है। देख लीजिए आपने मम्मी के इतने सारे पैसे पानी में डाल दिए, वो किसी काम के नहीं रहे। नेहा अब तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, जो भी जमा पूंजी थी सब मेरी सिलाई सीखने में खर्च हो गई। मैं माँ की दर्जी बेटी तो बन गई लेकिन उनका सहारा ना बन पाई, मुझे बहुत दुख होता है। नेहा तुम्हारी तो बहुत दोस्त हैं, चलो तुम्हारे दोस्त के पास चलते हैं, क्या पता वो मुझसे कपड़े बनवा ही ले। हाँ मेरे दोस्त तो बहुत हैं और वो अमीर भी बहुत ज्यादा हैं, क्या पता तुमसे कपड़े बनवा ही ले, और एक दोस्त की तो शादी भी होने वाली है। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो वहाँ चलते हैं। काजल नेहा के साथ उसके दोस्त के यहाँ चली जाती है। सभी दोस्त रेस्टोरेंट में बैठकर पार्टी कर रही थी और वह नेहा और काजल को देखकर हंसना शुरू कर देती हैं। अरे यार नेहा तू यहाँ पर क्यों आई है, क्या तुझे पता नहीं यहाँ पर सब अमीर अमीर लोग हैं, लेकिन तू अपनी गरीब बहन के साथ यहाँ पर आ गई। अपने कपड़े तो देखो कितने ज्यादा फटे पुराने हैं, इनके अंदर से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है यार, कम से कम यहाँ पर धुले हुए कपड़े तो पहन कर ही आ जाती, इस तरह हमारी इंसल्ट तो नहीं करती। तो हमारी दोस्त मोहल्ले की है यहाँ की नहीं, हम यहाँ अपनी इस तरह इंसल्ट करवाने नहीं आए। नेहा मुझे तुम्हारे पास इसलिए लेकर आई थी ताकि हम तुम्हें यह बता सके कि मैं सिलाई करना जानती हूँ और तुम्हारी शादी भी होने वाली है, अगर तुम्हें हमसे कोई कपड़े बनवाने हो तो बनवा लेना, लेकिन तुम्हारा घमंड देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम हमारी कोई मदद कर पाओगी, चलो नेहा यहाँ से चलते हैं। नेहा क्या मजाक है, तेरी ये गरीब बहन हम जैसी अमीर लड़कियों के कपड़े तैयार करेगी? यार तूने सोच भी कैसे लिया, हम बहुत ज्यादा अमीर हैं, हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तेरी जैसी गरीब बहन के सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, तेरी बहन के सिले हुए कपड़े तो हमारे घर की नौकरानी ना पहने, हमारी तो बहुत दूर की बात है। क्यों दोस्तों मैं सही कह रही हूँ ना, इन गरीब बहनों के तो देखो कैसे सपने देख रही है। नेहा और काजल अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट होते देख उन्हें बहुत दुख होता है और वो वहाँ से तुरंत आ जाती हैं। घर आकर देखती हैं तो उनकी माँ फर्श पर बेहोश पड़ी थी। अपनी माँ को इस तरह बेहोश देखकर दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नेहा नेहा माँ को क्या हो गया, कुछ देर पहले तो माँ बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने हमारे लिए खाना भी बनाया था, फिर अचानक माँ को क्या हो गया? माँ अपनी आंखें खोलिए, देखिए आपकी दोनों बेटी आपके पास है, कृपया करके अपनी आंखें खोलिए माँ, माँ अपनी आंखें खोलिए। काजल नेहा अपनी माँ को होश में लेकर आने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन सुजाता होश में नहीं आती। तभी दोनों बहन तुरंत अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। तभी डॉक्टर सुजाता के सभी चेकअप करने के बाद नेहा और काजल से कहती हैं, लगता है तुम्हारी माँ काफी समय से बीमार थी और उन्होंने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया और वो ऐसे ही बुखार में काम करती रही, इसलिए तुम्हारी माँ का बुखार बिगड़ चुका है, उन्हें अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है और स्ट्रेस तो इन्हें बिल्कुल नहीं दिया जाएगा,
और जितना हो सके अपनी माँ को आराम दिलाओ, वरना तुम्हारी माँ का बचना मुश्किल हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? डॉक्टर, माँ के इलाज कराने में कितने पैसे लग जाएंगे? देखो, तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देना होगा, इसलिए सारा खर्चा मिलाकर 1 से 1.5 लाख तो समझ ही लो। इतने सारे पैसे सुनने के बाद नेहा और काजल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वो इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगी। घर आ जाने के बाद काजल नेहा से कहती है, नेहा, हमने पिताजी को तो खो दिया लेकिन माँ को नहीं खो सकते। अगर वो नहीं बचेंगी तो हमारे जीने का क्या मकसद? इसलिए मैंने सोचा है अपने इस छोटे से घर के कागजात गिरवी रख देती हूँ। इतने तो पैसे मिल ही जाएंगे कि माँ का इलाज शुरू हो जाए और उसके बाद मैं शहर जाऊंगी। मैंने सिलाई सीखी है, क्या पता वहीं पर मेरे हुनर की पहचान हो जाए और मुझे वहाँ पर नौकरी मिल जाए। तुम यहाँ पर माँ का ख्याल रखना। ठीक है दीदी, मैं यहाँ माँ की बहुत अच्छे से सेवा करूँगी, बस आप शहर में जाकर अच्छे से नौकरी ढूंढकर पैसे कमाना। काजल अपने घर के कागजात सेठ के यहाँ लेकर जाती है और वह अपना घर गिरवी रख देती है और उसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सुजाता का इलाज शुरू हो जाता है। काजल नेहा को माँ की जिम्मेदारी देकर शहर चली जाती है और शहर जाकर काम ढूंढती है। काजल को एक बुटीक पर नौकरी मिल जाती है। काजल के बने हुए फ्रॉक बुटीक मालकिन और कस्टमर को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे थे। बुटीक मालकिन काजल से बहुत खुश थी। काजल हर महीने पैसे अपने घर भेज रही थी, जिस वजह से सुजाता का इलाज अच्छी तरह से हो रहा था और नेहा की जरूरतें भी पूरी हो रही थी। काजल अब बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। बुटीक में रहने वाली दो बहनें वो काजल की तरक्की से जलने लगती हैं। वह अंदर ही अंदर काजल से जल भूलकर राख हो रही थीं। दिव्या, मुझे तो एक बार समझ में नहीं आ रही, पता नहीं काजल के बच्चे का इतना नाम क्यों हो रहा है। हम तो इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं लेकिन एक दिन भी मालकिन हमारी तारीफ नहीं करती और काजल के बच्चे की रोजाना तारीफ करती करती नहीं थकती। काजल, तुम कितनी सुंदर फ्रॉक बनाती हो, तुम्हारी वजह से हमारे बुटीक पर कितने ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जा रहा, उस काजल की बच्ची का इतना नाम होते देख। अरे तानिया, काजल के बच्चे से तो हमें अपना पीछा छुड़ा नहीं पड़ेगा। देख, इसके पिता जिंदा नहीं है, माँ बीमार रहती है और एक छोटी बहन है, वो भी गांव में। बेचारी यहाँ अपने घर का बोझ उठाने आई है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। गरीब माँ की दर्जी बेटी, वो क्या बिगाड़ पाएगी? अगर हम कुछ ऐसा करते जिसकी वजह से मालकिन का पारा हाई हो जाए और वो इसे बुटीक से निकाल दे तो बेचारी कहीं की नहीं रहेगी, न अपनी माँ का इलाज करा पाएगी और न ही यहाँ पर नौकरी। बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और वो काजल को बुटीक से निकालने का एक खतरनाक प्लान बना लेती हैं और एक दिन मालकिन काजल के ऊपर बुटीक की जिम्मेदारी छोड़कर चली जाती हैं। तभी दिव्या और तानिया इस बात का भरपूर फायदा उठाती हैं और वह बुटीक में आग लगा देती है। जब इस बात की खबर बुटीक मालकिन को लगती है तो वह काजल को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, काजल, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने बुटीक की जिम्मेदारी तुम्हें इसलिए दी थी ताकि तुम अच्छी तरह से काम कर सको, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे तुम जैसी गरीब को अपने यहाँ शहर में नौकरी देनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने सोचा था गरीब की बेटी है, नौकरी दे देती हूँ, लेकिन तुमने तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि तुम मेरा इतना बड़ा नुकसान कहाँ से भरोगी, लेकिन मुझे मेरे बुटीक के पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। मालकिन जी, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। जब मुझे इस बात की खबर लगी तो मैं भी यह देखकर दंग रह गई कि अचानक बुटीक में आग कैसे लग गई। मेरी बात का भरोसा कीजिए, यह सब मेरी वजह से नहीं हुआ। आप तो मेरे हालात जानती हैं, गांव में मेरी गरीब बीमार माँ, मेरी छोटी बहन, मैं आपको 2 लाख रुपए कहाँ से दूंगी? घर पहले ही गिरवी है, मुझ जैसी गरीब दर्जी के ऊपर थोड़ा तो रहम करो। मालकिन जी, आपको पता है मैंने इसे इसकी बहन से बात करते हुए सुना था, ये कह रही थी कि ये आपको बड़ा झटका देने वाली है और शहर में आपकी जगह बुटीक खोलने वाली है, क्योंकि इसके बने हुए फ्रॉक कस्टमर को बहुत पसंद आ रहे थे ना, इसलिए ये अपना नया काम शुरू करना चाहती थी। आप नहीं जानती गांव की लड़के कितनी ज्यादा चंट और चालाक होती है, यह गरीब माँ की दर्जी बेटी आपके साथ ऐसा ही करना चाहती थी। दिव्या और तानिया आग में घी डालने का काम करती हैं। दोनों बहनों की बातें सुनकर बुटीक मालकिन और भी ज्यादा गुस्से से लाल पीली हो जाती हैं।
बेचारी काजल मालकिन के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन बेचारी की वो एक नहीं सुनती और वह रोते हुए अपने गांव की तरफ आ रही थी और वह एक जगह बैठकर बहुत रोती है। अब मैं गांव में क्या मुँह लेकर जाऊंगी, नेहा पैसे आने का इंतजार कर रही होगी, माँ का इलाज चल रहा है, मैं माँ से क्या कहूंगी कि आपकी बेटी के ऊपर झूठा इल्जाम लग गया और उसे 2 लाख रुपए देने हैं, इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आऊंगी। हे ऊपर वाले, हम जैसे गरीब बेसहारा लोगों के ऊपर भी थोड़ा रहम कर। मेरी माँ ने कितनी मुश्किलों से पाई पाई जोड़कर मुझे सिलाई सिखाई और यहाँ आकर मुझे काम मिल भी गया तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से सपना बहुत रोती है और अपने आंसू साफ कर कर जाने लगती है कि तभी उसे जंगल में एक बहुत ही ज्यादा चमचमाता हुआ फ्रॉक नजर आता है, जिसे देखकर काजल की आंखें खुले की खुली रह जाती हैं। तभी उस फ्रॉक से आवाज आती है, मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आता हूँ जो परेशान होते हैं। अगर मैं तुम्हें नजर आया हूँ तो जरूर तुम परेशान हो, इसलिए तुम मेरे जादुई फ्रॉक को जैसे ही पहनोगी तुम्हारे सामने बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर ब्रांडेड फ्रॉक आ जाएंगे, जिन्हें बेचकर तुम अपनी सारी दुख परेशानी दूर कर सकती हो। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मेरे जादुई फ्रॉक से कभी भी लालच मत करना, क्योंकि मैं कभी भी लालची और बुरे लोगों की मदद नहीं करता। अगर मेरे साथ किसी ने भी लालच किया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलो अब तुम जल्दी से मुझे पहन लो। जादुई फ्रॉक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम नहीं जानते कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। अगर तुम मुझे ना मिलते तो मैं जेल में होती और मेरी माँ का इलाज भी नहीं होता और मेरी छोटी बहन अकेली रह जाती। तुम्हारा दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। काजल जादुई फ्रॉक को धन्यवाद कहती है और जैसे ही वह पहनती है तो उसके सामने बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर ब्रांडेड फ्रॉक आ जाते हैं और वह उन्हें मार्केट में बेचने जाती है बहुत ही सस्ते दामों में। तो उसके पास भीड़ लग जाती है और कुछ ही समय में उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वह बुटीक मालकिन को सब पैसे दे देती है। यह देखकर तानिया और दिव्या की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे यार, इस गरीब के पास 2 लाख रुपए कहाँ से आए? हमें तो लगा था कि मालकिन इसे जेल करा देंगे क्योंकि इसके पास इतने पैसे होंगे ही नहीं, लेकिन इसने 1 महीना होने से पहले पहले 2 लाख रुपए दे दिए। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। तानिया, मैंने एक बार इसे सड़क के बाहर फ्रॉक बेचते हुए देखा था, बहुत ही ज्यादा सुंदर और ब्रांडेड थे और बहुत ही सस्ते, इतना सस्ता तो कपड़ा भी नहीं मिलता जितने सस्ते ये सुंदर फ्रॉक बेच रही थी। मुझे तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, पता लगाना चाहिए। ऐसा सोचकर दोनों बहनें काजल के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती हैं। हमेशा की तरह आज भी काजल जादुई फ्रॉक पहनकर बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर ब्रांडेड फ्रॉक मांग रही थी। उसके सामने बहुत ही ज्यादा फ्रॉक आ जाते हैं और वह बाद में उन्हें मार्केट में बेचने चली जाती है। उसी समय तानिया और दिव्या को पता चल जाता है कि काजल के पास जादुई फ्रॉक है और वह दोनों बहन बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। अच्छा, तो इस गरीब दर्जी के पास जादुई फ्रॉक है जिसे पहनकर सुंदर सुंदर फ्रॉक मिलते हैं। दिव्या, अगर यह जादुई फ्रॉक हमारे पास आ जाए तो हम एक नया शोरूम खोलेंगे और हमारा कितना ज्यादा नाम होगा। और मैं तो कहती हूँ इस गरीब लड़की को भी अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी और जादुई फ्रॉक हमेशा हमारे पास रहेगा। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बहुत मजा आने वाला है। ऐसा सोचकर दोनों बहनें बहुत खुश हो रही थीं और एक दिन मौका देकर जब काजल घर पर नहीं होती तो वह जादुई फ्रॉक चुराकर अपने घर लेकर आ जाती हैं। और जैसे ही तानिया जादुई फ्रॉक पहनकर फ्रॉक मांगती है तो उसे बहुत तेज करंट लगता है और वह करंट लगता ही रहता है। तानिया पूरी तरह से पागल हो जाती है। तभी दिव्या काजल के पास जाती है और उसे कहती है, काजल काजल, मेरी बहन को बचा लो, हमने तुम्हें मारने का प्लान बनाया था और बुटीक भी हमने ही चलाया था और तुम्हारा जादुई फ्रॉक भी हम चुरा कर ले गए, जिसे पहनकर तानिया को बहुत तेज करंट लग रहा है, वो पागल हो गई। मेरी बहन को बचा लो, हमने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया है वो सब हम मानते हैं, हमने बहुत गलत किया है, हमें माफ कर दो।
काजल बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह दिव्या और तानिया को माफ कर देती है और जादुई फ्रॉक से कहकर तानिया को ठीक कर देती है। तानिया और दिव्या बुटीक मालकिन के पास जाती हैं और उन्हें सब सच बता देती हैं। बुटीक मालकिन काजल से माफी मांगती हैं और दोनों बहनों को जेल भेज देती हैं। दिव्या और तानिया को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और काजल खुशी खुशी अपने घर जाकर अपनी माँ और बहन को जादुई फ्रॉक के बारे में बताती है, जिसे सुनकर दोनों बहुत खुश होती हैं। नेहा, मैंने कहा था ना, मेरी दर्जी बेटी एक दिन मेरा बहुत नाम रोशन करेगी। और देखो, हमारी दर्जी बिटिया ने और इसके जादुई फ्रॉक ने हमारी सब दुख परेशानी दूर कर दी। अब हम पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर हैं। काजल अपनी माँ और बहन के चेहरे पर यह खुशी देखकर बहुत खुश होती है और इस तरह एक दर्जी बेटी जादुई फ्रॉक की मदद से अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहती है। एक बार की बात है, किशोर नगर नामक गांव में तीन बहनें सपना, काजल और आराध्या अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। आराध्या सपना और काजल से बड़ी थी और वो बहुत ही ज्यादा समझदार और अच्छी बच्ची थी। सपना और काजल दोनों बहनें जुड़वा थी और वह बहुत ही ज्यादा नटखट, चंचल और मौज मस्ती करने वाली थी। तीनों बहनों में बहुत ही ज्यादा प्यार था। वह एक साथ हंसी खुशी रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना और काजल अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। तभी सपना और काजल की दोस्त दोनों बहनों से कहती हैं, क्यों, सच में हमारे गांव में मेला लगेगा, वो भी पूरे 10 साल बाद? मैं तो जब बहुत छोटी थी जब हमारे गांव में मेला लगा था। यार, कितना ज्यादा मजा आता है, बड़े बड़े झूले, मिठाइयाँ, जलेबी और ज्वेलरी भी तो मिलती है, कितनी ज्यादा अच्छी होती है। हम तो बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, पूरे 10 साल बाद हमारे गांव में मेला लगेगा। मैं तो बहुत सुंदर फ्रॉक पहनूंगी, बहुत अच्छे से तैयार होंगी, बहुत मजा आने वाला है। हाँ यार, यह खबर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हम तो तरस ही गए थे कि हमारे गांव में मेला कब लगेगा। चलो, फाइनली हमारे गांव में मेला तो लगा, जल्दी से घर चलते हैं और अपने घर वालों को भी तो ये खुशखबरी देते हैं। सपना और काजल, तुम भी तो अपने परिवार के साथ मेला घूमने आओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो जरूर आऊंगी। मेरा तो बचपन से ही सपना है बड़े बड़े झूलों में झूलने का। मैं तो सबसे बड़े झूले में झूलूंगी और मेले की जलेबियाँ कितनी ज्यादा स्वादिष्ट होती है। आ हा हा हा, मुँह में अभी से पानी आ रहा है। चल काजल, जल्दी से घर चलते हैं और आराध्या दीदी को भी बताते हैं, वो तो ये खबर सुनकर खुशी के मारे झूम उठेंगी। अच्छा दोस्तों, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर सपना और काजल अपने घर आ जाती हैं और घर आकर तेज आवाज में गाने चलाती हैं और डांस करना शुरू कर देती हैं। सपना और काजल को इस तरह से डांस करता हुआ देख आराध्या वहाँ पर आ जाती है और गाने बंद करती है और अपनी बहनों से कहती है, अरे अरे, शांत शांत, क्या हुआ मेरी प्यारी बहनों, जब से बाहर से आई हो तब से बस डांस करे जा रही हो, गाने गा रही हो, क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई है जो तुम इतनी ज्यादा खुश हो? अपनी बहन को नहीं बताओगी, क्या हुआ, चलो जल्दी बताओ, या फिर मम्मी पापा ने तुम्हें बाहर घूमने जाने की परमिशन दे दी है जो तुम इतनी ज्यादा खुश हो? नहीं नहीं दीदी, हमारे पास खबर ही ऐसी है जिसे सुनकर आप भी नाचने लगेंगी। आपको पता है हमारे गांव में पूरे 10 साल बाद मेला लग रहा है और आपको तो मेला घूमना कितना अच्छा लगता है। मैंने तो पैसे भी जोड़ कर रखे हैं, बहुत सारा सामान खरीद कर लेकर आएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे दीदी, बहुत। सपना और काजल, सच में तुम पागल हो गई हो, मेला वो भी हमारे गांव में लग ही नहीं सकता। 10 साल पहले क्या हुआ था तुम्हें नहीं पता? नहीं नहीं, तुमने जरूर कोई गलत न्यूज सुनी होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ दीदी, बच्चे बच्चे को पता है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। हमारे गांव में जब मेला लगा था तो एक चुड़ैल आई थी जो अपने साथ बहुत सारे बच्चे को लेकर गई थी और तभी से मेला लगना बंद हो गया। लेकिन दीदी, अगर हमारे गांव में मेला लग रहा है तो जरूर चुड़ैल को मार दिया होगा, तभी तो मेला लग रहा है, वरना भला क्यों लगता? दीदी, आप तो जानती हैं कि मम्मी पापा कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो हमें मेला घूमने जाने नहीं देंगे क्योंकि वो हमसे प्यार ही इतना ज्यादा करते हैं, वो रिस्क नहीं लेंगे। दीदी, आप मम्मी पापा से परमिशन ले लेना, हम तीनों बहन मेला घूमने जाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे, सोचो ना दीदी। ना बाबा ना,
मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगी। और सिर्फ मम्मी पापा ही तुमसे प्यार नहीं करते, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हें मेला घूमने जाने नहीं दूंगी, जिसे जाना है वो चला जाएगा, लेकिन हम घर पर रहेंगे। आई बस समझ में? हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्या पता वो चुड़ैल दोबारा से मौका देकर मेले में आ जाए। चलो अब सपने देखने छोड़ दो। आराध्या की बात मानकर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं और वह बहुत ज्यादा उदास भी हो जाती हैं। अगले दिन वह अपने दोस्तों से दोबारा मिलती हैं और अपने दोस्तों से मना कर देती हैं कि वह मेला घूमने नहीं आ रही। तभी उनकी एक दोस्त काव्या कहती है, अरे यार, क्या तेरी बहन और तेरे मम्मी पापा इतने ज्यादा डरपोक हैं? पूरा गांव मेला घूमने जा रहा है और तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारी बहन जाने से मना कर रहे हैं। शुक्र है कि हमारे मम्मी पापा इतने ज्यादा डरपोक नहीं हैं जितने कि तुम्हारे मम्मी पापा हैं। पूरा गांव मेला देखने जाएगा और तुम घर पर अकेली मच्छर मारती रहना, हम सब तो बहुत एंजॉय करेंगे। मैंने तो मेले घूमने जाने के लिए एक सुंदर ड्रेस भी खरीदी है, उसे ही पहन कर जाऊंगी। बेचारी दोनों बहन अभी तक बड़ी नहीं हुई, अपने मम्मी पापा की बात मानती है, उनकी उंगली पकड़ कर चलती है। ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं और वह हमारी भलाई के लिए ही हमें जाने से रोकते हैं। और तुम देखना, अभी तो वो मना कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमारी बात मान जाएंगे। ऐसा कहकर दोनों बहनें अपने घर वापस आ जाती हैं और वो आराध्या को और अपने मम्मी पापा को मनाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन सपना और काजल की सारी कोशिशें असफल रहती हैं और धीरे धीरे गांव में मेला लगना शुरू हो जाता है। सपना और काजल को मेला घूमने जाने की बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। तभी काव्या का फोन आता है और वह सपना से कहती है, अरे यार सपना, मुझे अच्छी तरह से पता है तेरे मम्मी पापा तुम्हें कभी भी मेला आने की परमिशन नहीं देंगे। यार क्या सारी जिंदगी ऐसे ही जीती रहोगी? तुम्हें घूमने आना चाहिए, तुम्हें पता है बहुत मजा आ रहा है। रात में जब सब सो जाते हैं तब भी तो तुम घूमने आ सकती हो, और तुम्हारे मम्मी पापा को और आराध्या दीदी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। हम सब दोस्त बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बस तुम्हारी कमी हो रही है, अगर तुम भी आ जाती तो अच्छा रहता। हाँ यार काव्या, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम दोनों बहन रात में आ जाएंगे और मम्मी पापा आराध्या दीदी को पता भी नहीं चलेगा। काव्या यार, तू हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, तूने हमें इतना अच्छा आइडिया दिया, हम जरूर आएंगे। ऐसा कहकर सपना फोन रख देती है और वहीं दूसरी तरफ काव्या बनकर जो फोन कर रही थी, असल में वह सपना और काजल की दोस्त नहीं थी बल्कि वह चुड़ैल थी। और वह अपने साथियों से कहती है, मुझे इस गांव से बाहर निकालने के लिए परी ने जो श्राप दिया था और मुझे इतने दिन तक कैद करके रखा था, लेकिन अब मुझे कोई बांध कर नहीं रख सकता। अब वह श्राप टूटने वाला है। वह श्राप सिर्फ दो जुड़वा बहनों की वजह से ही टूट सकता था और मुझे इस गांव की दो जुड़वा बहनें मिल गई। दोनों बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, मेरी बातों में आ गई और वह अपने माता पिता से छुपकर मेला घूमने आ रही है। जैसी वो यहाँ आएंगी मैं उन्हें अपने साथ लेकर आ जाऊंगी और पूर्णिमा की रात उनकी बलि चढ़ाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी और उसके बाद मेरा हर कहीं राज ही होगा। इस तरह वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। अगले दिन जब रात हो जाती है, आराध्या और उसके मम्मी पापा सो जाते हैं, तो सपना और काजल अपने पैसे लेती हैं, तैयार होती हैं और वह मेला घूमने चली जाती हैं और वहां जाकर बहुत एंजॉय करती हैं। काव्या, अच्छा हुआ कि तूने हमें यहाँ बुला लिया, वरना हम यह सब एंजॉयमेंट छोड़ देते, कितना ज्यादा मजा आ रहा है। काश आराध्या दीदी भी हमारे साथ होती तो कितना ज्यादा मजा आता। आराध्या दीदी की बहुत याद आ रही है। काव्या सामने देखो, झुमके कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, चलो वो खरीदते हैं। काजल तुम्हें भी अच्छे लग रहे हैं, तुम भी अपने लिए ले लेना, वो व्हाइट वाले तुम्हारे पर बहुत अच्छे लगेंगे। सपना काजल, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा झूला दिखाती हूँ जो इस मेले का सबसे बड़ा झूला है, वो तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, वो यहाँ से बहुत दूर लगा है, चलो मेरे साथ चलो, वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सपना और काजल काव्या की बातों में आ रही थी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वह काव्या के रूप में चुड़ैल है, उनकी दोस्त नहीं। और वह चुड़ैल की बातों में आकर उसके साथ बड़ा झूला देखने के लिए चली जाती हैं
और वह चुड़ैल दोनों बहनों को अपने साथ एक काली गुफा में लेकर आ जाती है और एक पिंजरे में कैद कर उनके चारों तरफ आग लगा देती है। तभी सपना और काजल चुड़ैल से कहती हैं, दुष्ट चुड़ैल, तू दोबारा से हमारे गांव में वापस आ गई और तूने हमें अगवा कर लिया और अपने पिंजरे में कैद कर लिया। हम कहते हैं कि हमें छोड़ दे वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल प्लीज हमें छोड़ दे, हमें हमारे मम्मी पापा के पास जाना है, अपनी बहन के पास जाना है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम छुप कर यहाँ पर आ गए। हमें छोड़ दे, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। सपना और काजल चुड़ैल के सामने रोती रहती हैं, गिड़गिड़ाती रहती हैं, लेकिन चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह बहुत खुश होती है। सुबह हो जाने के बाद जब सपना और काजल घर पर नहीं होती तो आराध्या को अपनी बहनों की बहुत चिंता होने लगती है और वह अपने मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा, सपना और काजल कहाँ है? सुबह सुबह तो वो कहीं नहीं जाती, लेकिन मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। आराध्या बेटा, कहीं दोनों छुपकर मेला घूमने तो नहीं चली गई? मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। बेटा जल्दी जाओ और उसकी सहेलियों से मालूम कर कर आओ। आराध्या तुरंत सपना और काजल के दोस्तों के घर जाती है, लेकिन सब जगह से उसे मना ही मिलती है कि उन्होंने सपना और काजल को कहीं नहीं देखा और मेले में भी नहीं देखा था। यह सुनकर आराध्या और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वह सुबह से लेकर शाम तक अपनी बहनों को ढूंढती रहती है, लेकिन सपना और काजल आराध्या को कहीं नहीं मिलती। रात हो जाती है, आराध्या एक जगह बैठकर बहुत रोती है। सपना और काजल, मेरी प्यारी बहनों, तुम कहाँ हो? तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब मैं मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? वो तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान है। तुम कहाँ हो मेरी प्यारी बहनों, कहाँ हो? हमेशा अपनी ही जिद करती हो और किसी की नहीं मानती, और पता नहीं अब कहाँ चली गई। मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रखी। पता नहीं मेरी प्यारी बहन किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी। इस तरह से आराध्या बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी कि तभी वहाँ पर एक परी आती है और वो आराध्या से कहती है, आराध्या मुझे पता है तुम अपनी दोनों बहनों को ढूंढ रही हो। आराध्या, तुम्हारी दोनों बहन उस दुष्ट चुड़ैल के कब्जे में है। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हमारी कैद से निकलने में कामयाब रही। अगर उसे अभी नहीं रोका तो वह तुम्हारी दोनों बहनों की बलि चढ़ाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। परीलोक और पृथ्वी पर अपना आतंक मचा देगी, किसी को सुकून की सांस नहीं लेने देगी। परी जी, तो अब हमें क्या करना चाहिए? प्लीज मेरी बहनों को बचा लो। अब तुम तीनों बहनें ही उस दुष्ट चुड़ैल को मार सकती हो, लेकिन वह करना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें अपने जादुई तीन घाघरा चोली देती हूँ, जिसे पहनकर तुम तीनों बहनों के अंदर अलग ही शक्तियाँ आ जाएंगी और तुम तीनों बहनें मिलकर उसका हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश कर सकती हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा। क्या तुम अपनी बहनों को बचाने के लिए कठिन रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? परी जी, लाइए अपने जादुई तीन घाघरा चोली दीजिए। मैं अपनी बहनों को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। अगर उस चुड़ैल को मारने में मेरी मौत भी हो जाती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन अब मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। उसने हम सभी गांव वालों को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब नहीं। ये हेलो मेरे जादुई तीन घाघरा चोली, इन्हें अपनी बहन के पास ले जाओ। इनकी चमक से तुम्हारी बहन की आग बुझ जाएगी और वह पिंजरे से बाहर आ जाएंगी और तुम तीनों बहन एक हो जाना और चुड़ैल का सर्वनाश करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आराध्या परी के जादुई तीन घाघरा चोली लेकर चुड़ैल को मारने के लिए निकल जाती है और परी के जादुई तीन घाघरा चोली अपनी बहनों के सामने रख देती है, जिसकी रोशनी से उनके चारों तरफ की आग बुझ जाती है और वह पिंजरे से बाहर निकलकर आ जाती हैं। और उसके बाद तीनों बहनें परी के जादुई घाघरा चोली पहन लेती हैं, जिसे पहनते ही उनके अंदर अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। यह देखकर चुड़ैल गुस्से से तिल मिला जाती है। नहीं नहीं, तुम मेरा सारा प्लान नष्ट नहीं कर सकती। तुम तीनों बहन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। तुम तीनों बहनों ने परी के जादुई घाघरा चोली पहन ली जो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन तुम मुझे इनकी शक्तियों से भी नहीं रोक पाओगी। तेरी दोनों जुड़वा बहन मर कर ही रहेंगी। साथियों, हमला करो।
चुड़ैल के साथी तीनों बहनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तीनों बहन जादुई घाघरा चोली की मदद से उन सभी को मार गिराती हैं। उसके बाद चुड़ैल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपना खतरनाक वार करती है। अपने मुंह से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली आग निकालती है, लेकिन आग भी तीनों बहनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि परी के जादुई तीन घाघरा चोली की शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी और वह आग उल्टा चुड़ैल के ऊपर जा गिरती है। उसके बाद तीनों बहन एक हो जाती हैं और वह एक शक्तिशाली बहुत ताकतवर लड़की के रूप में बदल जाती हैं और अपनी शक्तियों से एक खंजर निकालती हैं और उससे उस चुड़ैल के ऊपर वार करती हैं, जिसकी वजह से वह तुरंत मर जाती है और उसके सभी साथी भी। तभी वहां पर परी आ जाती है और वह कहती है, आज तुम तीनों बहनों की वजह से वह दुष्ट चुड़ैल मर चुकी है। अब परीलोक और पृथ्वी दोनों पर सब आराम से रह सकते हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम तीनों बहनें मेरे जादुई घाघरा चोली की मदद से कुछ भी मांग सकती हो, कहीं भी घूमने जा सकती हो, लेकिन याद रहे कि कभी भी तुम मेरे जादुई घाघरा चोली की मदद से लालच मत करना, कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, ठीक है? अब मुझे चलना है। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद सपना काजल आराध्या से माफी मांगती है। दीदी हमें माफ कर दो, हमें आपको बिना बताए मेले में नहीं जाना चाहिए था, आपको बताकर जाना चाहिए था। आप हमारी वजह से कितनी परेशान हुई, आज के बाद हम आपको बिना बताए कोई काम नहीं करेंगे। क्यों काजल, मैं सही कह रही हूँ ना? दीदी हमें माफ कर दो। हाँ दीदी सपना बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें माफ कर दो, आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आप और मम्मी पापा परेशान हो जाएं। हाँ हाँ गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, लेकिन इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट भी है। तुम्हारी वजह से हमने उस दुष्ट चुड़ैल को भी तो मार दिया। चलो अब हम अपनी एक नई शुरुआत करते हैं, पुरानी सभी बातें भूल जाते हैं। अब तो हमारे पास परी के जादुई तीन घाघरा चोली है, चलो उड़ते हुए घर जाते हैं। तीनों बहनें परी के जादुई घाघरा चोली की मदद से उड़ते हुए घर आ जाती हैं और तीनों बहन जादुई घाघरा चोली की मदद से बहुत सारी धन दौलत लेकर गरीब और परेशान लोगों की बहुत मदद करती हैं और खुद भी अपने माता पिता के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती हैं।